अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब, मैं यहाँ पर बना रही थी चना चाट। इंस्टेंट हमारा प्रोग्राम बना है कि हमें आउटिंग पे जाना है। अबू बकर भी काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे कि बाबा जी ज़ू जाना है, ज़ू जाना है। खैर, ज़ू जाने का तो टाइम नहीं था। हम तकरीबन 5 बजे निकले थे घर से, कल की बात बता रही हूँ सैटरडे की। तो फिर जो है ना, हम लोग एक पार्क चले गए थे जहाँ पर समझ लें मिनी ज़ू था वो। वहाँ पर कुछ जो है एनिमल्स वहाँ पर मौजूद थे। तो खैर, हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ जाने से पहले मेरा दिल था कि मैं कुछ बना के लेके जाऊँ, लेकिन शुएब कह रहे थे छोड़ें, लेकिन फिर भी मैंने जो है फ्रिज में जो है वो फ्रोज़न चने रखे हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें निकाल के डिफ्रोज करके तो फटाफट से चना चाट बना ली थी। तो फिर मैं ये लेके गई थी और हमने अच्छे से वेदर में बैठ कर तो फिर इंजॉय किए थे। बहुत अच्छे बने थे। किस तरीके से बनाती हूँ मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि बस 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला और उसमें 1/2 टीस्पून से भी कम ज़ीरा डाला और उसमें मैंने एक दरमियाना प्याज डाला। किसी को ब्राउन नहीं किया, बस उसको जो है सॉफ्ट कर लिया था। और फिर इसमें मैंने एक दरमियाना सा टमाटर डाला, हरी मिर्चें डाली और ये डिफ्रोज किए हुए चने थे ये मैंने डाल लिए थे इसमें। बस आखिर में चूल्हा बंद करके तो फिर मैं इसमें चाट मसाला और धनिया पुदीना डाल, लेकिन उससे पहले इसमें मैं यहाँ पर डाल ली हूँ 1 चम्मच जो है वो इमली का पल्प। उन्हें थोड़ी सी भिगो दी थी उसका पल्प निकाल के, तो 1 चम्मच बस वो डाला था इसमें। और पूरे रमज़ान में बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो चना चाट बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं डाल रही हूँ चूल्हा बंद करके चाट मसाला और धनिया पुदीना, बस ये डाल के। तो फिर आप लोगों के लिए मैंने इसकी एक पिक्चर ली है, फिर मैंने फटाफट से टिफ़िन में डाल के तो फिर हम ले गए थे और मज़े से इंजॉय किया था। आज मैं आपको अपने बच्चों को भी दिखाऊंगी और जो पार्क हम गए थे वहाँ पे भी थोड़ा सा विज़िट कराऊंगी आप लोगों को और अबू बकर और हाजिर से भी मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये थी जिसके फ़ाइनल लुक, बहुत अच्छे मज़ेदार बने थे और हमने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है हम पार्क पहुँच चुके थे, तो अबू बकर हैं ये मेरे बेटे और ये इंजॉय कर रहे थे खूब मज़े से अपने बाबा के साथ जो है खेल रहे थे, और मैं बस बेंच पर बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। चलो ऊपर तो चलें अबू बकर। ओ वाओ, हेलो, हाउ आर यू। व्हाट इट्स डॉग, वाओ देयर्स अ लॉट्स ऑफ डॉग्स। से हाय पीकॉक। हाय, डक, से डक, टूटू, ओके। वो बकरे मुंह चढ़ा रहे थे डक्स को और बहुत इंजॉय किया, बहुत हैप्पी हैप्पी थे मेरे बेटे जी। ओ वाओ, पैरोट्स यहाँ से अबू कुछ खाब, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था यहाँ पर अपने बाबा के साथ। बॉल से खेल रहे थे, बॉल लग के देख रहे थे कि मम्मा बॉल, मैंने कहा जी चलें ठीक है बॉल भी ले जाए। बस खूब इंजॉय किया। तो फिर हम लोग, वेदर भी बहुत अच्छा था, अच्छा मज़ेदार था। और ये जी है मेरी बेटी हाजिरा, ये बस बिल्कुल में थी अपने बाबा के साथ खेल रही थी। और यहाँ पर अबू बकर के थोड़े बहुत यहाँ पर पैरों जो है बोल रहा था तो ये रिएक्ट कर रहे थे उसके मुँह में। मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह।